Good morning, class 8. I am your physics teacher, Danish. In our previous lecture, we have studied about physics and branches of physics. In our second lecture, we will study about physical quantities. So first of all, what is a physical quantity? All measurable quantities are called physical quantities. सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि physical quantity क्या होती है. तो उसका आंसर ये है कि वो हर चीज़ जिसको हम मेजर कर सकें उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो कुछ भी हो, सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर. चाहे वो लेंथ है, मास है, टाइम, टेम्परेचर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मेजर कर सको वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है. आप बाहर जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, आप बाहर गए, आपने शुगर कहा मैंने शुगर लेनी है 5 kg, तो आपने शुगर को मेजर किया तो शुगर क्या हो गई? फ़िज़िकल क्वांटिटी. आपने अपनी हाइट मेजर करनी है तो हाइट आपने मेजर की तो आपकी हाइट भी क्या हो गई? एक फ़िज़िकल क्वांटिटी. आपने कहा हमने डोर की लेंथ मेजर करनी है तो अब आपकी जो डोर की लेंथ है वो भी क्या हो गई? फ़िज़िकल क्वांटिटी. तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकें, जिसको आप मेजर करें, वो कहलाती है फ़िज़िकल क्वांटिटी. अ फिज़िकल क्वांटिटी पोजेसेस एट लीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन. वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड. अब हर फिज़िकल क्वांटिटी में दो करेक्टरिस्टिक होती हैं, दो खासियत होती हैं. वो क्या होती हैं कि एक उसकी अपनी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका होता है यूनिट जिसमें हम उसको मेजर कर रहे होते हैं. जैसे एग्जांपल दिया बुक ने कि फॉर एग्जांपल इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, देन 104 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. कि आपने अपनी हाइट मेजर की और आपकी हाइट 104 सेंटीमीटर है. अब 104 जो एक न्यूमेरिकल नंबर है वो आपका मैग्नीट्यूड होगा और जो आपने साथ सेंटीमीटर लगाया वो आपका यूनिट होगा. जैसे मैंने बताया था कि हाइट क्या है? आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी. इसी तरह आप जाते हैं, आप बाहर जाके शुगर लेते हैं 5 kg. अब 5 आपका एक नंबर है तो 5 आपका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और kg जिसमें आप किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं वो आपका यूनिट है. तो फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? वो चीज़ जिसे हम मेजर कर सकें. और हर फिज़िकल क्वांटिटी में दो करैक्टरिस्टिक होती हैं, एक तो वो मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट जिसमें हम उसको मेजर कर रहे हैं. आगे उसने आपको एग्जांपल दी भी है कि सिमिलरली व्हेन अ ग्रॉसर सेज दैट ईच बैग कंटेन 5 kg शुगर, ही इज़ डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मैंने आपको बात बताई. अब फिज़िकल क्वान्टिटीज़ को हम डिवाइड करते हैं दो क्वान्टिटीज़ में. आगे पहले समझ आ गई कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसे हम मेजर कर सकें उसकी दो करैक्टरिस्टिक होती हैं जिसमें एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका यूनिट होता है. आगे हम फिज़िकल क्वांटिटी को दो क्वांटिटीज़ में डिवाइडेड करते हैं, वो हैं बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़. बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़ आगे हम पढ़ेंगे बेस क्वांटिटी क्या होता है. तो देयर आर 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़. दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़. These are length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and the amount of substance. साथ में डेफिनेशन लिखी हुई है ये वाली कि बेस क्वान्टिटीज आर द क्वान्टिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वान्टिटीज आर एक्सप्रेस्ड. तो बेस क्वान्टिटीज़ क्या हुई कि ऐसी 7 फिज़िकल क्वान्टिटीज़ जो बुनियाद बनती हैं, जिनकी फॉर्म पे हम बाकी फिजिकल क्वान्टिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें कहते हैं बेस क्वान्टिटीज़. यानी बिल्कुल 7 आपने याद रखनी है. बेस क्वांटिटीज 7 होती हैं. होती कौन सी हैं? लिखी हुई हैं. दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं इनको कहते हैं बेस क्वांटिटीज़. और बेस, जैसे आपको वैसे ही पता है कि बेस हम कहते हैं बुनियाद को, तो ये जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये बुनियाद हैं. इसी की बेस पे बाकी जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव होती हैं. जैसे आप फोर्स कहते हो और वॉल्यूम और एरिया, ये सब जो होती हैं इनके लिए बेस क्वांटिटीज़ ज़रूरी होती हैं. तो बेस क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनकी बेसिस पे हम बाकी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकें. यही लिखा हुआ है डेफिनेशन में. और ये 7 होती हैं और ये 7 के 7 के नेम लिखे हुए हैं आपके पास. उसके बाद दूसरी हैं डिराइव क्वांटिटीज़. अब डिराइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है कि द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज़. कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ से मिला के बनाएँ वो होती हैं डिराइव. जैसे ऊपर मैंने बताया था ना, बेस क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेस पे हम बाकी क्वांटिटीज़ को बनाते हैं. और डिराइव क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जो बेस की फॉर्म पे बनती हैं. तो ये दोनों में आपस में डिफरेंस हो गया. तो जो होती हैं डिराइव क्वांटिटीज़, ये होती हैं दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द डिराइव क्वांटिटीज़. दीज इंक्लूड एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट्सेट्रा. डिराइव क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं. बेस क्वांटिटीज़ 7 ही होती हैं. 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ना कम ना ज़्यादा, वो सिर्फ 7 है. डिराइव क्वांटिटीज़ जो हैं ये आपकी जितनी भी आप डिराइव करते जाएंगे ये बढ़ती जाएंगी. एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स,
वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये बहुत ज़्यादा होती जाती हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज़ वो जो हम बेस की बुनियाद पे बनाएं खुद से। अभी मैंने आपको बताया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं कि जिसमें एक मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ना चाहते हैं वो है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कि अगर आपने जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है लेंथ, एक बच्चा डोर की लेंथ मेजर करता है, वो कहता है ये डोर है 200 सेंटीमीटर। दूसरा बच्चा उठता है वो कहता है इस डोर की जो लेंथ है वो है 2 मीटर। अब आप सबको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। अब मीटर भी एक यूनिट है और सेंटीमीटर भी एक यूनिट है। तो अब हमें क्या पता कि हमने कौन सा यूनिट इस्तेमाल करना है लेंथ के लिए। तो यहाँ जब ये प्रॉब्लम आई हमारे पास, नीचे आपका टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि मेयरिंग जो है वो खाली काउंटिंग का नाम नहीं है। जैसे आप शुगर को मेयर करते हैं, आप मिल्क को मेयर करते हैं, किसी भी चीज़ को आप मेयरिंग करते हैं, आपके पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि सेंटीमीटर भी एक यूनिट है, मीटर भी एक यूनिट है, किलोमीटर भी एक यूनिट है। जैसे आप बहुत दूर जाते हैं तो आप कहते हैं मैंने यहाँ से लाहौर ट्रैवल करना है, तो लाहौर का डिस्टेंस कितना है? आप कहेंगे लेट्स सपोज 450 किलोमीटर, तो वो भी तो आपने मेयर किया, वो किलोमीटर में मेयर किया। तो हमें क्या पता कि हमने जब लेंथ को मेयर करना है तो हमारे पास लेंथ के कितने यूनिट्स आ गए? देखें, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है। तो हम लेंथ को कैसे मेयर करें, किस में मेयर करें? तो फिर इसके लिए ये हुआ कि द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेयर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960 अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेयरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉमनली रेफर्ड एज SI। हुआ ये कि जब ये प्रॉब्लम दुनिया में आई बहुत ज़्यादा, कि अगर पाकिस्तान में कोई बंदा मेयर कर रहा है एक चीज़ को तो वो सेंटीमीटर में करता है, किसी दूसरी कंट्री में उसको मेयरमेंट करने के लिए वो मीटर को यूज़ करते हैं, किसी थर्ड कंट्री में उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो क्या करें ऐसा? तो फिर 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी जो पेरिस में हुई, जिसमें हमने एक सिस्टम बना दिया, साइंटिस्ट ने बैठ के एक सिस्टम बना दिया कि आइंदा के बाद हम जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं हमारी 7 जो क्वांटिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट हम एक फिक्स यूनिट लगा देते हैं, जो इसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। और उसमें होगा ये कि आइंदा के बाद जब भी हम लेंथ की बात करेंगे तो हम मीटर में बात करेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जब भी हम कोई चीज़ मेयर करेंगे, वेट मेयर करेंगे, तो हम किलोग्राम में मेयर करेंगे, ग्राम में नहीं करेंगे, मिलीग्राम में नहीं करेंगे, हम किलोग्राम में मेयर करेंगे। तो ये जो मीटिंग हुई है, ये जो सेटिंग हुई सिस्टम्स की, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि हमारे पास एक चीज़ को मेयर करने के एक से ज़्यादा जो हमारे पास यूनिट्स थे, तो हमने फिर इसलिए एक फ़िक्स यूनिट रख लिया पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हम इन यूनिट्स को यूज़ करेंगे आइंदा के बाद। अब वो यूनिट्स क्या थे, वही लिखे हुए हैं आगे, बेस यूनिट्स। क्या डेफिनेशन क्या है कि द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। बिल्कुल सिंपल सी बात कि वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें वो क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। हर बेस क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है, वो क्या होता है उसका अगर टेबल बना हुआ है बता देता हूँ आपको। मैंने क्या बताया था, आपके पास बेस क्वांटिटीज 7 हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब इनके अगेंस्ट उनके सिंबल लिखे हुए हैं। जब भी आप लेंथ की बात करेंगे आप स्मॉल एल लिखेंगे, मास के लिए स्मॉल एम, टाइम के लिए स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल आई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैपिटल एल, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन यूज़ करेंगे। और इनका जो आगे यूनिट होगा SI यूनिट, वो लिखा हुआ है कि लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पीयर। ये आपने यूनिट्स इनके याद रखने हैं। अब आगे आता है डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं। द यूनिट्स यूज टू मेयर डिराइव क्वान्टिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जिसकी बेस पे हम डिराइव क्वान्टिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकें वो यूनिट्स डिराइव यूनिट्स होते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि बेस क्वान्टिटीज 7 होती हैं, उन 7 के अगेंस्ट अपने अपने उनके फिक्स SI यूनिट हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे, जो हमेशा जब भी आप फिजिक्स में यूज़ करेंगे लेंथ तो आप मेयर जो करेंगे तो मीटर में करेंगे, जब भी आप फिजिक्स में जिस मर्जी क्लास में आप मेयर करेंगे मास को आप किलोग्राम में करेंगे। तो डिराइव क्वांटिटीज़ में भी यही बेस यूनिट्स यूज़ होते हैं जो फोर्स, एरिया और इन चीज़ों को बनाते हैं। यह हमारा आज का टॉपिक था आपका, जिसमें हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, बेस क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़, उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ा और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में पढ़ा। यह आपका टॉपिक लेक्चर है, इसको 2-3 दफ़ा आपने इसको सुनना है सही गौर से, उसके बाद आपने ये डेफिनेशंस याद करनी है जितने भी आपको काम आज पढ़ाया गया। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।